हरियाणा के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बागवानी और सब्जियों के लिए अनुदान राशि देना है। दरअसल हरियाणा सरकार ने परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब बागवानी फसलों पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसलिए अलग अलग फलों के नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सके। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ताकि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। इसके लिए बागों पर एवं सब्जियों पर अनुदान राशि दी जाती है। बागों की अगर हम बात करें तो अमरूद बेर और नींबू वर्गीय पौधों पर बागवानी विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद की 12,000 पर एकड़ हम किसानों को देते हैं। नींबू और नींबू वर्गीय पौधों पर भी 12,000 पर एकड़ और बेर पर हम 5,250 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दे रहे हैं। देखो, जैसे हम परंपरागत खेती की अगर बात करें तो किसान को ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा, इसलिए हम बागवानी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रोत्साहन काम करते हैं। हम हमारे हर ज़िले में ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ से किसानों को निःशुल्क बागवानी व सब्जियों की फसलों पर प्रशिक्षण दिलाते हैं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता है और वह अपने फील्ड पर इन सब्जियों की खेती करते हैं। किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर 11,500 रुपए, नींबू के बाग लगाने पर 12,000 रुपए और आंवला के बाग पर 15,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इस अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। इस बारे में जब बागवानी करने वाले किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बागवानी 12 महीने कमाई का साधन है और इसके लिए सरकार समय समय पर ट्रेनिंग भी दे रही है। सरकार की इस योजना से किसान काफी खुश नजर आए। बागवानी से सरकार की तरफ से तो काफ़ी अनुदान मिलता है। जब आप बागवानी लगाना चाहते हो तब भी सरकार पैसे देती है, जब आप ड्रिप लगाना चाहते हो तो उसमें भी 85% देती है, और अगर आप टैंक भी खुदवाना चाहते हो, मैंने टैंक खुदवाया पीछे, उसमें भी टैंक के लिए 2,00,000 रुपये दिए और पैक हाउस के लिए भी 2,00,000 रुपये दिए। बागवानी में सरकार है बहुत प्रोत्साहित कर रही है। तो परंपरागत खेती और बागवानी में आप कहाँ फ़र्क देख रहे हैं, क्या फ़र्क है? परंपरागत खेती में काफ़ी नुकसान है, लेकिन इसमें बहुत फायदा है किसान को। मतलब कि जैसे कि पानी की कहते हैं कि पानी नीचे जा रहा है, पानी बागवानी में पानी बहुत कम लगता है, और बागवानी के साथ साथ आप दूसरी फसलें भी ले रहे हो, जितना आपका खर्चा ऊपर बागवानी पर है उससे ज़्यादा कहीं नीचे दूसरी फसलों तो सब्जी से, जैसे कि आजकल चना है, मेथी है, तो दूसरी फसलें भी ले सकते हो बागवानी में आप। तो वैसे बागवानी से खुद किसान का फ़ायदा के साथ साथ एक सामाजिक भी फायदा है। इसमें पानी का स्तर भी नीचे, जो आज हम देख रहे हैं आने वाली पीढ़ी को पानी की भी समस्या आएगी। अगर हम बागवानी पे और सब्जियों पे जाते हैं तो पानी की समस्या नहीं आएगी, हम सुबह से शाम तक कमाने में लगे रहते हैं, अगली आने वाली पीढ़ी के लिए पानी भी छोड़ के जाना चाहते हैं। जिस तरह से जीरी के और गेहूँ के पीछे हम सभी किसान पड़े हुए हैं, अगर हम फल लगाएँगे या सब्जियां उगाएंगे तो पानी की भी कम खपत होगी और 12 महीने इनकम का साधन बना रहेगा किसान के लिए। इन दिनों बागवानी को अपनाकर किसान काफी मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि फसल लगाने से पहले फसल बेचने तक सरकार किसानों की मदद करती है। इससे पानी की बचत होती ही है, साथ ही जमीन का गिरा हुआ जल स्तर भी ठीक होगा और आने वाली पीढ़ी को पानी की किल्लत से बचाया जा सकेगा। पंजाब के सिटी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।